स्मार्ट सिटी योजना के तहत बने बेनियाबाग पार्क की लोग प्रशंसा करने से नहीं चूकते। प्रधानमंत्री के अनेकों योजनाओं में स्मार्ट सिटी योजना के तहत बेनियाबाग पार्क में आकर लोग तारीफ करने से नहीं चूकते हैं। हरा भरा मैदान, छोटे बच्चों के लिए अनेकों झूला, चरखी, खाने पीने, घूमने के उत्तम प्रबंध देख लोग काफी उत्साहित होते हैं। शाम होते ही इस पार्क का नजारा ही अलग हो जाता है। दूर दूर से आकर लोग इसका लुफ्त उठाते हैं। आने वालों ने इस पार्क की जमकर तारीफ की। वहीं वह पार्क के संचालकों ने बाहर हो रहे अतिक्रमण से काफी दिक्कत बताया। पार्क के बाहर अनेकों ठेला खोमचा लगने से सड़कों पर दिक्कत हो जाती है। कुछ कारण बगल में पार्किंग होना भी बताया जाता है। क्या व्यवस्था रखे हैं आप इस बार सिटी में? यहाँ सिटी में सब व्यवस्था है, बच्चों के लिए झूला है, चरखी, खाने पीने का पूरा व्यवस्था है हमारे यहाँ। हर सुरक्षा दृष्टि से हमने कैमरा भी मेरे पूरा लगा है, गार्ड लगे हैं, हमारे स्टाफ भी है। कसम तीन बजे से बाहर किस तरह के जैसा सुनने में आता है कि जाम लगा रहता है, इसका कारण कौन है? इसका कारण बाहर ढेले पहुँचे वाले हैं जो बीच चौराहे पे लगा के रोड चाय के दुकान पे लगाए रहते हैं। मना करने के बाद भी, आशा पसाने मना करने के बाद भी हटाते हैं और 10 मिनट बाद फिर आ जाते हैं। तो स्मार्ट सिटी के सामने भी कई दुकानें लगती हैं क्या फर्जी तरीके से? स्मार्ट सिटी के दुकान सामने पूरा करने 50 दुकान लगता है। शासन से शिकायत करने पूर्ण सहयोग करते हैं, आते हैं, जय भर आते हैं, तब उसे हट जाते हैं और फिर 10 मिनट के बाद फिर आके पूरा जाम लगा देते हैं। तो अगर माना जाए तो चौराहे पर इतना जाम लगा रहता नहीं सड़क पर, इसका जिम्मेदार कौन है? पूरा वो चाय वाले हैं बीच में, वो चाय तो लोग तो चाय लगा के बेच रहे हैं, वहीं भीड़ पर पूरा लगा रहता है, पूरा ट्रैफिक जाम उससे। तो आप क्या चाहते हैं? आप जैसा कि बाहर देखा जाता है भीड़ को, मतलब यहाँ प्रशासन द्वारा व्यवस्था और अच्छी की जाए? प्रशासन व्यवस्था करता है, बस आते हैं उसे माने, आता है प्रशासन, गायब हो जाते हैं और फिर आ जाते 10 मिनट के बाद। प्रशासन तो अपना काम करता ही है। इसकी जिम्मेदारी मतलब स्मार्ट सिटी की नहीं है? स्मार्ट सिटी का क्या जिम्मेदारी है? स्मार्ट सिटी तो अपना पूरा गार्ड लगा दिया है, सीसी कैमरा लगा दिया है और दिन में पूरा हटवाता रहता है। बाकी सारी व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं आपकी? बाकी सब व्यवस्था हमारी सही चल रही है, सुचारू रूप से चल रहा है और सब यहाँ पे आप देख लीजिए पूरा गार्डन, पूरा चला चौन है, नियम के अनुसार सारी व्यवस्थाएं आपकी पूर्ण है, पूरा सब नियम के अनुसार चल रहा है। और बाकी ये जो आपका गाड़ी वगैरह आता है इसके लिए क्या व्यवस्था की है? इसके लिए पार्किंग है, अब अलग तरीके से लोग लगा के रोड पर चले जाए, उसके लिए स्मार्ट सिटी अभी संचालक क्या कर सकता है? इसके लिए कहाँ आई है आज आप लोग? ये मैं स्मार्ट सिटी में आई हूँ जहाँ पे बहुत अच्छा है, हर चीज की व्यवस्था है, झूले हैं, बच्चों को लेकर आती हूँ, इंजॉय करती हूँ और बहुत अच्छे हैं, बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद बहुत सुकून है और हर चीज़ की व्यवस्था है यहाँ पे, जिससे बच्चे भी इंजॉय करते हैं और बहुत हैप्पी हो जाते हैं। लगभग क्या व्यवस्था अच्छा लगता है आप लोगों को? सबसे ज़्यादा व्यवस्था यहाँ की है बच्चों के लिए, इंजॉय, झूले हैं, खाने पीने की सुविधा है, जो बच्चों को चाहिए वो चीज़ सारी फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है। किसी प्रकार की यहाँ कोई दिक्कतें नहीं? कोई दिक्कत नहीं है और सबसे ज़्यादा तो इंसान यही देखता है कि बच्चे जहाँ पे जाकर इंजॉय करे, हैप्पी हो, उनको खुशी मिले, वो चीज़ यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं जो कि बहुत अच्छा लगता है और हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है।